अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सब सोकर उठ चुके हैं सिवाय हमारे छोटे से डेडू चार्जर के, और यहाँ हमारा नाश्ता भी तैयार हो गया है और लंच भी तैयार हो रहा है। बच्चों को आज फ्राइज और नगेट्स दे रही हूँ, नगेट्स दे रहे हैं हमारे, और चाय भी हमारी तैयार हो गई, मैंने कपों में डाल ली है। यहाँ इनके लंच बॉक्स भी मेरे पास समझ रेडी हैं, तो बस फटाफट ये अपना फ्राइज बनाते हैं और फिर उसके बाद नगेट्स बनाएंगे। यहाँ बच्चों का लंच हो गया रेडी और यहाँ मैं इनको बंद करूँगी, और पानी की बोतल भी मैंने तैयार कर दी है। और यहाँ हो रहा है बच्चों का नाश्ता। ओ ओ मीरा शहजादा भी उठ गया, आए मेरा बेबी उठ गया, छोटा छोटा जो बेबी खरगोश के जैसा, आए दांत देखो जैसे खरगोश हो कूद दियो जो ने मानो अपने कपड़ों में नहीं गिराना, अच्छा और चूड़ियां भी उतार के जाना है। आए मेरा बीबा उठा नहीं, मेरा नाना उठा नहीं, नानी हो आए मुंह देखो, चॉकलेट खा के छोया था, चॉकलेट खा के छोया था भाई, ये भला ही खाब हो गया भाई, ये बच्चा भला ही खाब है, भला खाब है ये बच्चा, भला खाब है। हसन क्या हो रहा है, अल्लाह हाफिज। हसन बाय। मैं सोकर उठ चुकी हूँ और उठते ही सबसे पहला काम मैंने नाश्ता किया, और उसके बाद अब मैं स्टार्ट हो गई हूँ काम का। आज मेरी दोस्ती दावत है मेरे घर में, तो मैंने मंगवाया है दूध और अब मैं बना रही हूँ खीर। मैंने ना इनको बोल के सोई थी, मैंने कहा आपको तो नींद आनी नहीं है तो दूध ला कर रख देना, तो इन्होंने दूध भी ला कर रख दिया। और यहाँ मैंने चावल ब्लेंडर कर लिए हैं, बस अब हम बनाएंगे खीर। सबसे पहला काम खीर का इसलिए कर रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए, नहीं मैं फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक ला कर भी रख दी है। और आज का मेन्यू अभी तक कर रहे हैं तो डिसाइड नहीं किया, अभी तक चिकन मंगवानी है मैंने। हाँ मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल और हमारा पतीला हो गया बिल्कुल फुल। मैं दूसरे पतीले में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि अब इसमें बॉयल हो चुका है, और दूसरे वाले में डालूंगी फिर दो दो बर्तन गंदे, तो इसमें कोशिश कर रही हूँ कि इसी में आराम आराम से मैं इसको करती रहूँ और इसी में मैं बनाऊं, क्योंकि अभी वैसे भी दूध सूख सूख के थोड़ा सा तो कम हो जाएगा। यहाँ मैं इसको बिल्कुल भी अब हाथ नहीं रोकना, वरना तो हमारे चावल नीचे लग जाएंगे और गुटलियाँ गुटलियाँ सी बन जाएंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसका चमचा चलाते रहेंगे। और यहाँ नईम कुछ अच्छे काम करते हैं तो कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिनसे मेरा बड़ा दिल तंग आता है, जैसे कि ये यार मैं किस तरह से इनको समझाऊं, आप लोग में से कोई समझा सकता है तो प्लीज़ इसे समझा दो, या फिर बाइक खोल के बैठ गया बाहर। यहाँ मैंने गोश्त चढ़ा दिया है और ये हल्की आंच पर पकता रहेगा,
और इसकी मैं बनाऊंगी मटन कढ़ाई। और यहाँ मैंने खीर बनाकर छोड़ दी थी, और अभी फिर से हम चूल्हा जलाएंगे और इसको और मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ हमारा गोश्त भी गलता रहेगा। और मानो आ गई है, इसको ये भी आया फौरन हिस्सा लेने। अच्छा, मोमो का गुगु बच्चा है ये, गुगु बच्चा है ये। अभी मैंने घर का कोई काम नहीं किया क्योंकि ये मेन काम थे छोटे छोटे जो मुझे करने हैं, और इसके बाद मैं करूँगी घर की सफाई। और ये हल्की आंच पे पक रहा है, यहाँ हम इसका भी चूल्हा जला देंगे अपनी खीर का, और इसे भी हम मज़ीद और पकाएंगे। यहाँ मेरे से थोड़ा सा दूध भी गिर गया है क्योंकि आप लोगों को पता था पतीली कितनी छोटी थी इस हिसाब से। तो चलें फिर खीर को मज़ीद और पकाते हैं और फिर घर का काम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अजान आओ राफे, मदरसे नहीं जाना क्या? मदरसे नहीं जा रहे क्यों? अजान दो ना मानों को भी। कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर दी है, और टमाटर इसमें मैंने रख दिए हैं ऑयल में, और गोश्त गला कर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि गोश्त भी हमारा गल चुका है। ये देखें, ये हमारा गोश्त भी गल गया है, कढ़ाई का मसाला भी तैयार हो रहा है, और यहाँ बिरयानी भी तैयार हो रही है, बग़ैर प्याज वाली बिरयानी। और रेसिपी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बग़ैर प्याज वाली बहुत कम लोग बनाते हैं, और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ देखें, मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक, और साथ ही हमने डाल दिए हैं इसमें टमाटर। देखें जी, हमने इसमें डाल दिए है हल्दी और धनिया, पिसा हुआ धनिया हमने डालना है, ठीक है? सूखा धनिया रहता है पिसा हुआ, वो हमने इसमें डाल दिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई अदरक, और हाँ लहसुन अदरक तो हमने पहले ही डाल दिया था, अब हम हरी मिर्चें डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च पिसी हुई, और ये हम थोड़ी सी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें हरी मिर्च का टेस्ट ही इसमें ज़्यादा चाहिए। और हम इसमें बिरयानी मसाला बहुत कम सिर्फ जायके के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो घर के मसाले हैं हमारे वही बिरयानी का अच्छा टेस्ट देंगे। तो ये देखिए, हमने बस ये थोड़ा सा डालना है बिरयानी मसाला सिर्फ टेस्ट के लिए, ठीक है? पूरा पैकेट हमने नहीं डालना। अगर आप लोगों के पास जैसे बड़ा पैकेट हो तो आप हाफ डाल दें, वरना तो आप एक साथ ही ले लें बस। और यहाँ हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, और ये जो फूल है ये लाजमी हमने डालना है। ये हमारी साबुत इलायची भी इसमें डल गई है, और यहाँ हमने ये ज़ीरा और लौंग और काली मिर्च ये भी हमने इसमें शामिल कर दी है, ठीक है? गुड हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। अब ये हमने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी डालना है थोड़ा, तकरीबन एक चम्मच के करीब। ये हमारा चाइनीज सॉल्ट भी इसमें डल गया। और हमारी मज़ेदार सी बिरयानी हो रही है तैयार, और अब हम डालेंगे दही। तकरीबन एक कप के करीब हमने इसमें डाल दिए दही। इसमें आलू भी डाल दिए थे, और साथ साथ हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं। और अब हम डालेंगे मुर्गी, और
मैगी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। अब इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला और इसमें बीच में हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जिससे हमारे आलू गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगी। आपके अंदाजे से पानी डालना है इतना कि जिसमें हमारे आलू गल जाएं और पानी को बिल्कुल खुश नहीं करना है, ठीक है। गुड़ हो गया। यहाँ हमने बाकी की चीज़ें तैयार कर ली हैं बिरयानी के लिए। हमने कुछ हरी मिर्चों को बीच में से कट कर लिया है और ये कुछ पुदीना और धनिया हमने काट के रख लिया है और ये दो तकरीबन 2 से 3 लीमू हमने काट के रख लिए हैं जो कि ये अभी अभी हम हमारी बिरयानी में शामिल होंगे और साथ में जर्दे का रंग। यहाँ हमारा बिरयानी का मसाला हो गया तकरीबन तैयार। अब हम इसे बंद करके रख देंगे और इसके अंदर हमने शामिल करना है कड़ी पत्ता भी। तो ये हमारी बिरयानी का मसाला हो गया तैयार और बस अभी हमने इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है मटन कढ़ाई बनाने के लिए। और अभी हम इसमें घी डालेंगे। इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक हमारा लहसुन अदरक थोड़ा हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे गोश्त और हमें इसका पानी अभी नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही है हमारे पास इसका पानी, ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और जब ये अच्छी तरह से भुने जाएगा तो फिर हम इसके बीच में डाल देंगे ये हमारे जो टमाटर थे, हमने जो पहले ऑयल में फ्राई किए थे और इसका छिलका हमने उतार लिया। और यहाँ हमारा मसाला हो गया तैयार। अब मैं करने लगी हूँ इसका चूल्हा बंद और ये देख रहे हैं आप किस तरह से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा शोरबा है। और यहाँ हो रही है हमारी मटन कढ़ाई तैयार। अच्छी तरह से इसको भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटरों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लग गई है। और आप देख रहे हैं टमाटर कैसे डालते ही इसमें घुलने शुरू हो गए क्योंकि ये पहले थोड़े से हमने ऑयल में फ्राई किए हुए थे और छिलका भी इनका उतरा हुआ था। बिरयानी को हम चावल हम बाद में तैयार करेंगे क्योंकि अभी हमारे मेहमान नहीं आए हैं, मेहमानों के आने में भी काफ़ी टाइम है तो इसलिए मैंने पहले से ही तैयार करके मसाला रख लिया कि वो जब आएंगे तो फिर हम लोग चावल तैयार करेंगे और बिरयानी हमारी तैयार होगी। लेकिन ये तो चलो सालन है, ये हम पहले से भी बना के रख दें तो कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें बीच में शामिल करेंगे दही। ये हमने बीच में दही भी शामिल कर दी है। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी। ये देखें जी मैंने इसमें डाल दी है हल्दी और अब हम डालेंगे भुना हुआ धनिया और भून के इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है ये, कूटा हुआ है। और अब हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, ये भी मैंने कूट लिया था। और यहाँ हम टमाटरों को
अच्छी तरह से ऐसे से करेंगे ताकि ये पीसे जाएं। दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और टमाटरों ने भी, और इसी पानी में हमारी कढ़ाई मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। और ना भी अगर हुई तो हमारे पास ये यखनी का पानी मौजूद है। और यहाँ बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं, वो मदरसे से। यहाँ हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें अभी हल्की सी कसर है गोश्त में, तो हम इसे हल्की सी आंच पर थोड़ी देर छोड़ देते हैं। गोरी पर पिंक वाली बनाओ अपनी चप्पल, जल्दी आओ भैया चला गया बाहर, टाइम ज़्यादा हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ देखें ये गोश्त हमारा गल गया है और पानी भी खुश्क हो गया है और ऑयल अलग हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। और हम डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई और साथ में हम डालेंगे हरी मिर्च। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बाज़ार का टेस्ट आए तो आपने बिल्कुल इसी तरह इसको बनाना है। और अगर आप लोगों को लाल मिर्चें पसंद हैं तो वो आप अलग से शामिल कर सकते हैं। वैसे जो बाज़ार में हम कढ़ाई खाते हैं मटन कढ़ाई, उसकी रेसिपी सेम यही होती है, जिसकी वजह से बिल्कुल हमें अलग टेस्ट मिलता है। और अब हम इतनी दूर दूर जाते हैं खाने के लिए, तो आप घर बैठकर आराम से ये बना सकते हैं और जितना दिल चाहे आप खा भी सकते हैं। और यहाँ हमारे जो टमाटर थोड़े बहुत रह गए हैं उन्हें भी हम पीस लेंगे ऐसे ऐसे करके। ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार होने वाली है। यहाँ हमने ये जो हमारे पास था यखनी हमारे पास जो थी वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसे रख देंगे हल्की आंच पर, और ये मज़ीद और अपना टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा। बस अब हम इसे दम पे रखने लगे हैं, थोड़ी सी देर हमने इसको दम लगाना है और हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई हो जानी है तैयार। यहाँ मैंने चावलों का पानी चढ़ा दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है नमक, और अब हम इसे ढक के रख रहे हैं। और यहाँ हमने अपने चावल भी भिगो कर रख दिए हैं। और मैं बना रही थी कबाब का मसाला जो कि मैंने पीस लिया है अच्छी तरह, और अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए और मुझे जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करना है। यहाँ हमारे चावलों को दम लग चुका है और यहाँ मैंने जो मसाला हमने तैयार किया था वो चढ़ाया हुआ है। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसमें चावल डाल देंगे और ऊपर से ये हम जो हमने ये हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता धनिया पुदीना और नींबू ये हम सारा कुछ डाल के इसे लगाएंगे दम। और यहाँ देखें ये गरम हो गया है और बस अब हम इसे दम लगाएंगे, चावलों को पहले डालेंगे और ऊपर जर्दे का रंग भी होगा। गंदे हुए हैं हमने वो साथ साथ धोने हैं और चीज़ें हमें साथ साथ समेटनी हैं वरना मज़ीद गंद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये रहे हमारे सारे गंदे बर्तन और ये रहा हमारा जर्दे का रंग। जर्दे का रंग हम वापस रखेंगे फ्रिज में। अब मैं बनाऊंगी रायता, जब तक हमारे चावलों को दम लग रहा है मैं बनाती हूँ रायता। हमारी बिरयानी को दम लग चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टेस्टी बिरयानी तैयार हो गई। जब मैं डिश में निकालूंगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे मेहमान आ गए हैं और यहाँ मैंने कबाब फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। ये जैसे ही फ्राई होते हैं और अजान के लिए मैं भेज रही हूँ रोटी के लिए। और यहाँ मैंने सालन रख दिया है गर्म करने के लिए। चूल्हा मेरा देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना गंदा हो रहा है।
चलें कोई बात नहीं, काम भी तो बहुत सारे किए हैं ना। और यहाँ बस कबाब फ्राई हो जाएं तो इसके बाद मैं खाना निकालूं। ये आ गए जी हमारे मेहमान और ये रहा हमारा खाना। ये मैंने मटन कढ़ाई और कबाब, रायता, बिरयानी सब कुछ बना हुआ और ये सारे इंतज़ार में, इनको भी यही था कि मैं भी व्लॉग बनाऊंगी जी। चलो डालो खाना, प्लेट लो। खाना खा लिया अंदर सबने और अब मैं लेके जा रही हूँ मीठा। मीठे में मैंने बनाई खीर, मज़े मज़े की। अरे इसके लिए अंकल अब आपने मीठा अच्छा ज़्यादा खाना है, आपने खाना भी कम खाया है। आपको तो अपनी वीडियो में दे सकती हूँ ना मैं। सबको बता चले। चलो सबके लिए डालेंगे अंकल। अपनी बेगम, हाँ अपनी बेगम के लिए डाल रहे हैं। देखो सबने चाय पी ली है और बस सिर्फ मेरी रह गई क्योंकि मैं तो पीती हूँ ठंडी करके, तो अब मैं पीऊंगी चाय। और यहाँ नईम भी आया हुआ है और ये भाई अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे मेहमान खसूसी सबसे एंड में आ रहे हैं। इनको बुलाया नहीं, खुद तो अच्छी बात है ना, ऐसा ही होना चाहिए। आओ बैठो। ये आ गया अली लाला। अम्मी नहीं है ना, अम्मी गई हुई है बेदा के घर। तो ऐसे खाते हैं चॉकलेट, ऐसे खाते हैं। लो अली लाला आपको। हाँ हाँ ना, कपड़ों पे नहीं मलना। चलो आओ हाथ धोए, चलो आओ हाथ धोए। ये लो पापा को खिलाओ, पापा को खिला दो, पापा को खिला दो ये। चलो आओ हाथ धोए, आ जाओ हाथ धोए। मेरे मेहमान चले गए और ये मेरे बच्चे अभी तक दरवाजे पे हैं और बड़े गलत टाइम पे लाइट चली गई, लेकिन ये कहेंगे कि अच्छा टाइम भी क्योंकि खाना वगैरह खा लिया था, चाय वाय पी ली थी, सब कुछ होके हो गया था और उसके बाद लाइट गई है। अगर पहले चली जाती तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता, तो शुक्र है कि पहले नहीं गई लाइट। बर्तन भी काफ़ी सारे धुल गए हैं और बस थोड़े से रहते हैं यहाँ, बस किचन थोड़ा समेटना है मुझे। और नईम खान कह रहे हैं मेरे पास आके बैठो, नईम खान ने मुझे बुलाया, मैंने कहा चलो मैं अपने लिए चावल भी डाल के ले आऊँ और खाना भी खाऊँ। बच्चों के साथ मैंने खाया था, मेहमानों के साथ थोड़ा सा खाया था। पापा को बोलो ना नहीं जाए, सिर्फ एक ड्रेसिंग रहती है ना। अच्छा हटो यहाँ से, हटो मुझे बैठने दो। तो नईम भी अपना काम छोड़कर आए थे, मैंने इनसे यही कहा था, मैंने कहा मेहमान आएंगे तो ज़ाहिर है कोई घर में हो ना, क्योंकि उनके मेरी दोस्त का ससुर भी आ रहा था साथ, तो मैंने कहा अच्छी बात नहीं है कि वो आए और घर पे कोई मर्द भी ना हो, तो इसलिए मैंने नईम को बुलवा लिया था। और अब नईम कह रहे हैं कि मेरी एक ड्रेसिंग रहती है, मुझे जाने दो। और यहाँ बच्चे ज़िद कर रहे हैं गाइस पापा को बोलेंगे नहीं जाए। और यहाँ मानो भी सोकर उठ गई है, मानो भी खा रही है बिरयानी। नईम फिर से चले गए, नईम की एक ड्रेसिंग रहती थी वो करने के लिए। और यहाँ मैं सारे बर्तन धो के और अब यहाँ पर आके बैठ चुकी हूँ। ये आप देखे मेरे सारे बर्तन धुल गए, बस सिर्फ एक कढ़ाई मेरी रहती है और मैं लंगड़ी लूली की तरह इधर बेड पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मानो अंगूठे में से क्या निकल रहा है। और अब बस दिल कर रहा है लेट जाऊँ, आराम करूँ और कुछ भी नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।